नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एस्ट्रो साइंस चैनल में। वृषभ राशि के जातक, किस उम्र में आपका भाग्य उदय होता है, किस उम्र में आकर आपकी किस्मत चमकती है, आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है, आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है और आपकी उम्र निकलते जा रही है, तो ऐसे में क्या उपाय करें, तमाम बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, भाग्योदय से पहले हमें अपने जीवन के संघर्ष को समझना होगा। अगर हमारे जीवन में स्ट्रगल्स कम हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारा भाग्योदय होने लगेगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण चंद्रदेव से भी वृषभ राशि के जातक प्रभावित रहते हैं। कहा जाए तो चंद्रदेव की सबसे प्रिय राशि होती है। तो बात करते हैं आपके संघर्ष की। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, जीवन के हर एक मोड़ पर आपको मुश्किलें आ रही हैं, तो ऐसे में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको शनिदेव की आराधना करनी है। और शनिदेव को कैसे खुश कर सकते हैं? हनुमान जी की पूजा करके। रोज प्रातः उठें, नहाए धोएं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। रोज शाम को शनिदेव के मंत्रों का जप करें। अगर आपके पास समय है तो प्रातः हनुमान जी की पूजा करें और शाम को शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपके जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, साथ ही आपके जीवन के संघर्ष बिल्कुल कम होंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं पीपल के पेड़ से शनिदेव और हनुमान जी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अपने हाथों से पीपल का पेड़ लगाते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे रोड के किनारे, स्कूल में, पार्क में, आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, पुण्य की प्राप्ति करेंगे आप। वृषभ राशि वालों, इन बातों का बिल्कुल अपने जीवन के संघर्षों को कम करने के लिए जरूर करें। आप देखिएगा, आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ये कुछ बातें थी आपके जीवन के स्ट्रगल को कम करने के लिए। वृषभ राशि के जातक, आपके भाग्य उदय और आकस्मिक धन प्राप्ति के बारे में बात करने से पहले आपके जीवन के बारे में कुछ बातें हम साझा करना चाहते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लोग वैसे तो धनवान होते हैं, क्योंकि धन की राशि कही जाती है वृषभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि वृषभ राशि वाले जिस भी अवस्था में रहते हैं, इनके पास कोई चीजों की कमी नहीं होती है। शुक्रदेव की राशि है, भौतिक सुखों से हमेशा घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने जीवन में पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं। अर्थात पैसे तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन सेविंग्स करने में पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप वैवाहिक हैं या फिर प्रेम संबंध में हैं, तो अपने जोड़ीदार के हाथों में अपना सेविंग्स रखें। जीवन में आपको फायदा रहेगा, क्योंकि आप खुद तो सेव नहीं कर सकते हैं। आप जितना कमाते हैं उतना ही उदार होने के कारण आप खर्च भी कर देते हैं। वृषभ राशि वाले अगर सलाह लेकर ओपल या हीरा अगर धारण करें, तो इनके जीवन के लिए अच्छा रहता है। वैसे तो आपको पन्ना भी सूट करेगा, लेकिन सलाह के अनुसार ही पहने, क्योंकि उसमें कैरेट की बात रहेगी, आपकी आयु की बात रहेगी। तो कोई भी रत्न धारण करने से पहले सलाह मशवरा अवश्य करें। तो वृषभ राशि वालों, आपको प्रॉपर्टी का लाभ उम्र के किस पड़ाव में होता है? आपको उम्र के 32, 46, 50 और 65 यानी 32, 46, 50 और 65 ईयर में अमूमन आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो ही जाता है। उम्र के इन पड़ाव में अपना मकान प्रॉपर्टी बनाने का आपके लिए प्रबल योग बनते हैं। आमतौर पर संपत्ति का लाभ आपके लिए विवाह के बाद ही होता है। आप पुरुष हैं या महिला हैं, अमूमन प्रॉपर्टी का लाभ आपको विवाह के बाद ही होता है। जीवन में तमाम प्रयासों के बाद भी अगर आपको संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा हो, तब ऐसे में आप और एक उपाय करें। रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, अपने हाथों से 3 बार जल दें, 3 बार में लोटा खत्म करें और जब उनको अर्पित करें तो आप ओम सूर्याय नमः का जाप जरूर करें। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के धन की। किस उम्र में आपको आकस्मिक धन प्राप्त हो जाता है? उम्र के 29, 38 और 56 यानी 29, 38, 56 ईयर में आपके लिए धन आने की संभावना प्रबल हो जाती है। ये जो धन है आपको किस तरह से प्राप्त होता है? मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की है अपने जीवन में। इन वर्षों में जो भी आपने मेहनत पहले की है, जो भी आपका धन फंसा हुआ है, जिस धन लाभ की आप अपेक्षा कर रहे थे, उम्र के इन पड़ाव में
आपके लिए अच्छे योग बनाते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात, विवाह के पश्चात इन्हें अपने जीवन साथी से भी अच्छा धन लाभ होने के प्रबल योग रहते ही हैं। अमूमन अपने जीवन साथी से धन लाभ तो वृषभ राशि करते ही हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।